मेरी सभी सहेलियों को जय सियाराम। तो मैंने आपसे वादा किया था कि कोसे का काफ़ी सारा कलेक्शन मैं लेके आई हूँ, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए ताकि कोसे का सारा कलेक्शन मेरा आप देखें। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कोसा है ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही विशेष रूप से बनता है। और सिल्क की चार प्रकार होते हैं, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क, तसर सिल्क और मलबरी सिल्क। तो जो हमारा कोसा है वो तसर सिल्क का ही एक प्रकार है। और ये जो कोसा की साड़ियाँ हैं ये विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के चांपा, छुरी और कोरबा के इलाकों में बनाई जाती हैं। जंगली तसर या कहना चाहिए जंगलों से जो कोसे के फल मिलते हैं, पेड़ों पे जो रेशम के कीड़े इन्हें बनाते हैं उन्हें जंगली तसर के नाम से कहा जाता है या देसी तसर। और आजकल बड़े पैमाने पे इनका उत्पादन भी खेतों में किया जा रहा है, जो साल सागौन इत्यादि के वृक्षों पे किया जाता है। तो ये जो कोसे की साड़ियाँ हैं इनको बनाने में हमारे देवांगन समुदाय का पूरा पूरा परिवार शामिल होता है और ये लोग बड़ी मेहनत से हैंडलूम और पावर लूम पे इन साड़ियों को बनाते हैं। तो कोसा और छत्तीसगढ़ के नाम पे देश विदेश में ये साड़ियाँ इतनी प्रख्यात हो गई हैं कि इनके नाम से कई लोगों के परिवार पल बढ़ रहे हैं। सो आप कभी एग्जीबिशंस पे जाते हैं अक्सर गलती हो जाती है कि लोग कोसों के नाम पे कोई भी आर्ट सिल्क की साड़ियाँ खरीद के ले आते हैं। तो मैं आपको कोसा सिल्क या कोई भी सिल्क की शुद्धता नापने का एक तरीका आज बताने वाली हूँ, तो आप ये ज़रूर देखिए। ये कोसे साड़ी के एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो हैं आप इसको एक छोटे से अमाउंट में काटिएगा और किसी भी सिल्क को आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। आप एक माचिस लीजिए और इनको जला लीजिए। तो अब ये जो जला हुआ पोर्शन है ये एक तो आपको बहुत गंदी स्मेल आ जाएगी, बाल जलने की स्मेल सी। ये जो है देख रहे हैं आप मेरे हाथों में, ये एक राख के रूप में दिख रहा है। इसमें एक भी गोला प्लास्टिक के गोले की तरह नहीं है। तो ये जो साड़ी है ये प्योर सिल्क की साड़ी है जो कि हमें कीड़ों से मिलता है। तो अब मैं लेके आई हूँ आपके पास कोसे की साड़ी, जिसमें सबसे पहले मैं बेसिक जो कोसा है ये साड़ी दिखाने वाली हूँ। इसे देसी तसर सिल्क या देसी कोसा साड़ी कहते हैं। ये हैंडलूम पे बनी हुई साड़ी है और जब कोसे के धागे पे प्योर बुनाई होती है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसकी शेडिंग आप देख रहे हैं, कोसे के कलर्स में भी काफ़ी सारे शेड होते हैं जो इससे थोड़े डार्क या इससे थोड़े हल्के हो सकते हैं। और फिर इन्हें डाई करके अलग अलग कलर्स में इनको बनाया जाता है जो कि वहीं आसपास के मज़दूर ही करते हैं। ये हैंडलूम की साड़ी है और ये जो प्लेन कोसे की साड़ी है ये पावर लूम पे बनी हुई साड़ी है, जैसा कि मुझे देवांगन समुदाय के लोगों ने बताया या जिनसे मैंने ये साड़ी ली ये बताई। ये साड़ी मुझे 3,500 के रेंज में मिलती है और ये साड़ी हमें उनसे लेने में करीब 4,000-5,000 इस रेंज में मिलती है, जो देसी तसर की हैंडलूम की साड़ी। हैंडलूम की साड़ियाँ हमेशा ही महंगी मिलती, चाहे वो प्योर तो होती ही हैं बट वो हमेशा ही कॉस्टली होती है। यदि कॉटन की भी है तो वो महंगी पड़ती है। इसके बाद मैं आपको कोसे की कुछ बेसिक डिज़ाइनें जो कि मेरे पास पावर लूम की बनी हुई हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो पहली जो सबसे स्टार्टिंग रेंज की ये कुछ साड़ियाँ हैं, जो कि 3,600 के रेंज पे हैं अवेलेबल। इनमें से एक साड़ी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। तो ये जो फिरोज़ी कलर है ये मैं दिखाना चाहूँगी। ये साड़ियाँ बेसिकली पावर लूम पे बनी हुई हैं और प्योर हैं। मेरे पास से यदि लेते हैं तो मेरी पर्सनल गारंटी है प्योरिटी की, मैं चेक करके ही दूंगी आपको। इसमें ये काफ़ी बड़ा सा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लाउज़ पीस दिया हुआ है। ये मेरे जैसे लोगों को भी पूरा बन जाएगा। और ये जो है इसका पल्ले का पोर्शन है और ये कंप्लीट साड़ी जो है कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो मैं एक ये साड़ी मैं अपने पे लगा के दिखा देती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा शायद अच्छा लगे देख के।
ये पहनने पे कुछ इस प्रकार की दिखेगी, देख सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आई ये साड़ी, और 3600 के रेंज पे है ये साड़ी। और इसमें आपको ये कुछ कलर्स जो दिख रहे हैं, इनकी पिक्चर्स भी हम हो सकेगा तो शेयर करेंगे फेसबुक पे, तो आप वहाँ पे जाके ये साड़ी देख सकते हैं। अगली हमारी कुछ डिज़ाइनें, मैं सभी साड़ियाँ ओपन करके तो नहीं दिखा सकूँगी, लेकिन आपको अगली जो कुछ साड़ी हैं, बेसिकली कोसे की ये कुछ पावरलूम की जो साड़ियाँ हैं, ये 3500 से 6500-7000 8000 के रेंज में मिल जाती हैं। बट कुछ एक्सक्लूसिव साड़ीज़ जो हैं 18-20-25 हज़ार तक भी बनती हैं, तो वो कलेक्शन तो मैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट जो भी मेरे पास है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत प्यारा सा गोल्डन येलो शेड है, साड़ी काफ़ी सिंपल और खूबसूरत है। ये इसका पल्ला पोर्शन है, एंड ये इसका प्लेन ब्लाउज़ है जिस पे ये बॉर्डर दिया हुआ है। पूरी साड़ी की बात करें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। नेक्स्ट साड़ी पे चले तो येलो का ही शेड है, इस तरह से पूरी साड़ी आपकी है। साड़ी का फैब्रिक काफ़ी हल्का, काफ़ी लाइट है, बहुत ही पहनने पे बहुत अच्छी लगती है। 4500 के रेंज पे ये साड़ी है, और इसका पल्लू ये आप देख रहे हैं, एंड इसका ब्लाउज़ प्लेन विथ गोल्डन बॉर्डर। बहुत ही खूबसूरत और एक्सक्लूसिव साड़ी है इस रेंज में, प्योर है। इसके बाद ये फिरोज़ी कलर की कुछ बूटे में साड़ी है, इस पे सिल्वर वीविंग का काम किया गया है। इस तरह से इसका पल्लू पार्ट है, और ये इसका ब्लाउज है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, और ये साड़ी आपकी 4850 के रेंज पे है, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद कुछ डबल शेड में इस तरह के बेल बूटे के काम की साड़ियाँ भी बनती हैं कुछ हमारे छत्तीसगढ़ में, ये 4500 के रेंज की हैं। एक इसका ब्लाउज़ देखने से आपको इसका फैब्रिक समझ में आएगा कि काफ़ी झीना हल्का, पहनने पे इतनी कंफर्टेबल होती है साड़ियाँ, आप किसी भी सीज़न में पहनिए, ये बहुत आरामदेह साड़ियाँ हैं। अगली जो साड़ी है ये बेबी पिंक कलर, जो बहुत ही पसंद किया जाने वाला कलर है, हम सभी को बहुत भाता है। मैं ये साड़ी पर्सनली थोड़ा ओपन करूँगी तभी मुझे मज़ा आएगा। एक मिनट, पहला वीडियो है सो मेरे अनुभव आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये साड़ी है, बहुत ही बेहतरीन। और ये इसका ब्लाउज़ जो है रनिंग में दिया है, पिंक और डार्क पिंक का के शेड। इस साड़ी की प्राइसिंग 4550 रुपीस है, तो जिन्हें भी पसंद आ रही फटाफट आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, या आप मेरे पास आके ले सकते हैं यदि पास में है। ये बहुत मतलब एक डिफरेंट यूनिक सा कलर है, जिनके टेस्ट कुछ हटके हैं उनके लिए ये काफ़ी प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, प्यारी डिज़ाइनिंग है। चारकोल ब्लैक इसका ब्लाउज़ दिया हुआ है, और थोड़ा डिफरेंट सा इसका शेडिंग है। इसकी भी प्राइस जो है 4550 है, और मैं बड़े फटाफट से आपको नेक्स्ट साड़ी की ओर ले चलती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ग्रीन, इसमें आपको सोने की पत्तियों की डिज़ाइनिंग की हुई है, बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग है, एंड ये इसका बहुत ही खूबसूरत सा पल्ला है। और ब्लाउज़ इसका जो है प्लेन ग्रीन कलर में है, जिन्हें केले के
पत्ते नए उगे हुए देखने का बड़ा शौक़ है वो ये कलर की साड़ी ज़रूर ले सकते हैं। एंड ये डबल शेड में एक और साड़ी जो बेल बूटों के साथ मेरे पास आई थी, बहुत ही प्यारी साड़ियाँ हैं। और कलर और ये सब तो छोड़िए, आपने कोसे की साड़ी खरीदी है यानी कि आपने एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट किया है। ये भी आपकी 4500 के रेंज में, एक्चुअली 3500 के रेंज में, काफ़ी मतलब उस रेंज में कम ही साड़ी आती हैं। सो मैं बताते जा रही हूँ, ग्रे आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग कलर है, ग्रे पे गोल्डन फ्लावर्स, एंड अगेन ये आपके 3800 के रेंज पे ये साड़ी है। ये कुछ डिफरेंट हमारे जो कारीगरों ने कोशिश की है कुछ अलग डिज़ाइन देने की, तो जो कुछ हटके पहनना चाहते हैं उन्हें डेफिनेटली ये जो डिज़ाइन है पसंद आने वाला है। इंक ब्लू कलर, सिल्वर जरी, और इसमें बीच में जो है चक्र बने हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारी साड़ी है ये बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक एंड कलर, प्राइस रेंज इसकी 5500 है। और ये चक्र जो साड़ी है, इसकी अगली साड़ी आएगी तो मैं इसका प्राइस आपको बताऊंगी। रस्ट कलर का या रेड में थोड़ा रस्टिक रेड जो है इसका पल्लू है और ये ब्लाउज़ है। एंड ये जो ब्लू कलर है बहुत ही बेहतरीन कलर है, बहुत यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत सोच समझ के ये साड़ी बनाई हुई है 5500 के रेंज की, काफ़ी लाइट वेट। एंड इसका जो फैब्रिक है बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक है। सो पर्सनली ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कोसे की ही एक और वैरायटी है डूपियन सिल्क, तो इस तरह की साड़ी मोस्टली प्लेन होती है और उसके पल्ले में अलग अलग तरह के डिज़ाइनिंग होते हैं। ये एक सिंगल साड़ी फ़िलहाल मेरे पास बची हुई है, तो ये प्योर डूपियन है। इसमें मिक्स सेमी डूपियन भी आती हैं जो 1000-1200 के रेंज में आती हैं, और ये साड़ी अराउंड 5500 के रेंज पे है। सो ये 2 साल पहले जब मैं गई थी उस समय डूपियन सिल्क में मुझे ये मिला था।